फ्रेंड्स आज हम भरवा बैंगन बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल। बिल्कुल वही टेस्ट होगा, वही फ्लेवर होगा, जिसे खा के आपको मजा आ जाएगा और ढाबा स्टाइल का टेस्ट याद दिलाएगा। भरवा बैंगन हर किसी को बहुत पसंद आते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं स्वाद में। ये खेते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमने ये फ्रेश बैंगन लिए हैं आधा किलो, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बैंगन हमेशा जब भी लें सॉफ्ट लें और साफ सुथरा बैंगन लें, वो ज्यादा अच्छा निकलता है। तो हमने आधा किलो बैंगन लिए, तो अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। कैसे कट करना है इसको, हमने धो के वॉश कर लिया था, इनको पोंछ के रख लिया है। तो इस तरह से ये सिरा काट लेंगे और ये चीज हम रहने देंगे ऊपर का। ऐसे करके कट लगा लेंगे और बीच से देख भी लेंगे कि हमारा बैंगन साफ है या नहीं। इस तरह सारे बैंगन को कट कर लेंगे हम। ये सारे बैंगन की कटिंग हो चुकी है, हमने सब बैंगन कट कर लिए हैं अच्छे से। अगर आपको किसी बैंगन की डंडी बड़ी लग रही है तो आप उसको काट के छोटा कर लीजिए। इस तरह सारे बैंगन की कटिंग हो चुकी है, अब इसका मसाला तैयार करते हैं भरने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, 2 चम्मच हमारा धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच खटास के लिए अमचूर, 1 बड़ा चम्मच सब्जी मसाला, कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 धनिया पाउडर थोड़ा और डाल देंगे हम, बहुत थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे हींग, 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, नमक क्योंकि ग्रेवी में भी डालेंगे हम तो इसलिए कम रखेंगे। इन सबको मिक्स कर देंगे मसालों को। अब 1 चम्मच इसमें हम तेल मिक्स करेंगे मसालों को मिक्स करने के लिए। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है, अब हम अपने बैंगन स्टफ कर लेते हैं इसमें। ये अब हमने बैंगन को भर दिया है मसालों के साथ, ये हमारे बैंगन भर के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हम 3 टमाटर यूज करेंगे, 1 प्याज यूज करेंगे और कुछ लहसुन की कलियां और थोड़ा सा अदरक और 3 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा और इसके बाद 1 तेज़पत्ता डालेंगे और 1 बड़ी इलायची, इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। भून जाए तो उसमें हम अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल देंगे जो हमने मिक्सी करके रखा हुआ है, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अगर हमारा मसाला अच्छे से भुनेगा तो हमारी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनेगी, इसीलिए हमें मसाले को अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है। इसको हम जब तक भूनेंगे, हम लगभग इसे 5 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरह से, जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती हमारी प्याज। और इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च और टमाटर का बना हुआ पेस्ट ऐड कर देंगे और उसको भी बिल्कुल प्याज की तरह अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक। अब हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं इसके लिए 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और अच्छी तरह से पकाएंगे इसको। इसके बाद हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे जिससे हमारी ग्रेवी में एक अच्छा सा कलर आए और हमारी ग्रेवी देखने में अच्छी लगे। और इसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे एक बार। और इसके बाद हम इसमें
अपनी कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे और मसाले को अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक ये ग्रेवी तेल नहीं छोड़ देती, तब तक इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। और देखिए हमारी ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें 1.5 गिलास पानी डाल देंगे और अपनी ग्रेवी को इतना लिक्विडी रखेंगे कि इसमें हमारे बैंगन अच्छी तरह से डिप हो जाए, अच्छी तरह से आ जाए सब। ग्रेवी को चलाते हुए बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। इस तरह से हमारे अब बॉयल आ चुका है हमारी ग्रेवी पे। अब हम इसमें 2-3 चम्मच फ्रेश मलाई को फेंट के अच्छे से स्मूथ टेक्सचर में बना के अपनी ग्रेवी में ऐड कर लेंगे। डालने से ये होगा कि हमारी जो सब्जी बनेगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और इसमें अच्छी सी गाढ़ापन आएगा और अच्छा सा ग्लॉस आएगा। इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर देंगे। काली मिर्च डालने से किसी भी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, थोड़ी स्पाइसी सी हो जाती है, इसलिए हम इसको डालेंगे। और इसको लगातार चलाते हुए, मलाई को चलाते हुए कुछ देर के लिए पका लेंगे। और फिर इसको पकाने के बाद हम इसमें स्टफ़ किए हुए बैंगन मिला लेंगे और सब एक एक करके अच्छे से रखेंगे, जिसमें कढ़ाई में ढंग से एडजस्ट हो जाए और बिल्कुल हिलाना नहीं है इनको। इस तरह से सारे बैंगन हम मसाले में मिक्स कर देंगे और इनको 5 मिनट के लिए बिना हिलाए ढक के पका लेंगे। और फिर 5 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक करेंगे तो हमारे बैंगन काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इन बैंगन को हम ऊपर से नीचे की तरफ पलट देंगे कि जिससे दोनों तरफ से बैंगन अच्छी तरह से पक जाए। फिर हम इसको 5 मिनट के लिए और ढक देंगे। अब एक बार और फिर चेक कर लेंगे। अब हमारे बैंगन काफ़ी हद तक पक चुके हैं पूरी तरह से। तो अब इनको हल्के हाथ से सबको मिक्स कर लेंगे एक बार धीरे धीरे से। हम इसको और ढक देंगे और फिर 5 मिनट के बाद फिर बैंगन चेक कर रहे हैं हम अपने, तो बैंगन हमारे बिल्कुल परफेक्ट पके हैं ग्रेवी के साथ जैसे पकने चाहिए। ग्रेवी भी बहुत ठीक बनी है, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। हमारे स्टफ बैंगन पूरी तरह से बनके तैयार हो चुके हैं। ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी बनी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो एक बार ज़रूर बना के देखिए इसको। चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं इसको। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे बने हैं देखने में, तो जितने अच्छे लग रहे खाने में उससे ज़्यादा अच्छे होंगे। आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखिए, आपको बिल्कुल ढाबे का स्टाइल का टेस्ट आएगा इसमें। बिल्कुल आपको यकीन नहीं होगा कि हमने घर पे इतने इजीली कैसे बना लिए। ये स्वाद में बहुत अच्छा होता है। ये आप चाहे नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये सूखी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, बैंगन की फटाफट बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे कहने पर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक्स।